हेलो फ्रेंड, मैं प्रदीप एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। नवंबर का महीना तो शुरू हो चुका है और इस नवंबर के महीने में मैं आज आप लोगों को एक प्लांट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें मेरे अभी फ्लावरिंग शुरू हुआ है। एक नया प्लांट है मेरा, वो है मेरे स्थल कमल, जिसे लैंड लोटस और हिबिस्कस मुटाबिलिस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे कलर चेंजिंग फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जब फ्लावर खिलते हैं सुबह के वक्त तब ये वाइट रहते हैं और धीरे धीरे ये पिंक होना शुरू होता है। दोस्तों, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ इसके कटिंग के बारे में और एक अपडेट में आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा पूरे अपडेट्स के साथ, मतलब कटिंग से लेकर अप टू फ्लावरिंग तक। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने है मेरे लैंड लोटस के एक कटिंग, मैं कटिंग के ऊपर वीडियोस तो बना नहीं पाया था, तो देखिए मैं एक पॉलीबैग के अंदर कटिंग को लगाया हूँ सैंड और सॉइल के मिक्सचर के साथ। तो इसमें तो अभी नए नए ऐसे ब्रांचेस निकलना शुरू हो गया है। हालांकि स्थल कमल तो ज़मीन पे बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्लांट होता है और इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे ये प्लांट पॉट के अंदर फ्लावरिंग हो, तो इसके लिए जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं कितना मोटा सा एक स्टेम यूज़ किया हूँ। तो आपको पॉट में अगर फ्लावरिंग चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटा स्टेम आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो इतने साइज़ के स्टेम है और लंबाई में 12 इंच से 14 इंच का स्टेम लीजिए तो उसमें आपको पॉट में भी फ्लावरिंग मिल जाएगा। तो अभी मेरे प्लांट पे देखिए बहुत सारे स्टेम निकला है और दो तीन स्टेम बहुत ही बड़े बड़े हो चुके हैं, तो ये अभी काबिल हो चुका है रिपोर्टिंग करने के लिए। तो सिर्फ 50 से 55 दिन के अंदर देखिए मेरे प्लांट पे ब्रांचेस निकल आए हैं और उम्मीद है कि इसमें बहुत सारे रूटिंग हो चुका है। रिपोर्टिंग करने से एक दिन पहले से आप पॉट पे पानी मत दीजिए, इससे आपको पॉट से प्लांट्स को निकालने में आसानी होगी और रूट डैमेज नहीं होगा। तो जैसे कि आपके सामने है देखिए बहुत ही अच्छे से रूटिंग हुआ है इस पर और ये अभी काबिल हो चुका है। मैं रिपोर्टिंग इसको करूँगा इस 10 इंच पॉट के अंदर। इसके लिए मैं जो पॉटिंग मिक्स यूज़ किया हूँ उसमें सैंड, सॉइल और कंपोस्ट को मैं समान मात्रा पे रखा हूँ और इसके साथ मैं थोड़ा सा नीम डस्ट भी ऐड करूँगा। दोस्तों, नीम डस्ट ऐड करने से प्लांट पे कभी भी फंगल इन्फेक्शंस लगने का डर नहीं रहेगा, बहुत अच्छा काम करता है और ऊपर से एक खाद का भी काम करेगा। और कंपोस्ट में मैं वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करता हूँ, इससे प्लांट्स के ग्रोथ बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मेरे इस 10 इंच पॉट के अंदर ही फ्लावरिंग होने वाले हैं और इसको मैं हर 15 और 20 दिन के अंतराल पे एक बार मास्टर केक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करूँगा। बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स के ग्रोथ, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए। ये आप किसी भी प्लांट्स पे दे सकते हो पानी के साथ मिक्स करके। अच्छी तरीके से पॉटिंग मिक्स देने के बाद प्लांट को मैं वाटरिंग कर दूँगा बहुत ही अच्छे से और फिर मैं इसको रखूँगा शेड पे 15 दिन के लिए। एटलीस्ट 10 से 15 दिन इसको शेड पे रखना है ताकि प्लांट्स नए मिट्टी के साथ एडजस्ट हो पाए। और उसके बाद मतलब 15 दिन बाद मैं प्लांट को फुल सनलाइट पे लाऊंगा। पूरे साल भर के लिए इसे आप सनलाइट पे रख सकते हो, फुल सनलाइट पे, लेकिन रिपोर्टिंग करने के तुरंत बाद इसे सनलाइट पे नहीं रखना है। मतलब किसी भी प्लांट को रिपोर्टिंग करने के तुरंत बाद सनलाइट पे लाना नहीं है, इससे आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों, लैंड लोटस मतलब हिबिस्कस मुटाबिलिस प्लांट पे बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वाइट मिलीबाग का अटैक होता है। हालांकि हिबिस्कस के सभी वैरायटी पे ही मिलीबाग का अटैक होता है, इसके लिए आप रोगर का इस्तेमाल कर सकते हो। 10 ड्रॉप रोगर 1 लीटर पानी के साथ मिक्स करके आप शाम के वक्त स्प्रे कर दीजिए हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे, तो आपके किसी भी हिबिस्कस प्लांट्स के वैरायटीज़ पे पेस्ट का अटैक नहीं होगा।
कटिंग करने के 5 महीने बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी मेरे प्लांट पे बर्ड्स आना शुरू हो चुका है और इसमें कुछ दिनों के अंदर फ्लावरिंग भी लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे प्लांट पे किसी प्रकार पेस्ट का अटैक नहीं है, मेरे प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप लीव्स के कलर देख के आपको शायद पता चल रहा होगा, बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स है मेरे प्लांट पे। कटिंग करने के 160 दिन बाद तो देखिए मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग खिलना शुरू हो चुका है। सुबह के वक्त है और प्लांट पे जो फूल खिले हैं और देखिए वाइट कलर के फ्लावरिंग हुए हैं। ग्रोथ बहुत ही अच्छा है मेरे प्लांट का, किसी प्रकार पेस्ट का अटैक फिलहाल नहीं है। और मैं इन दौरान प्लांट को महीने में एक बार मास्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया हूँ। इसके अलावा मैं किसी प्रकार और खाद का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। आप अगर इनऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप DAP और पोटास का मिक्स दे सकते हो। 1 टीस्पून 10 से 12 इंच पॉट के लिए काफ़ी है, महीने में एक बार आप दे सकते हो। तो मेरे प्लांट अभी उसी पॉट पे लगा हुआ है जिस पॉट पे मैं इसको रिपोर्ट किया था। अभी इसको रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं और 6 महीने बाद इस प्लांट को रिपोर्टिंग करूँगा। तो देखिए मेरे दोपहर में मेरे प्लांट्स पे जो फ्लावरिंग खिला है वो देखिए कलर चेंज हो चुका है, पूरे पिंक हो चुका है। उसी दिन ये दोपहर का टाइम है जब मैं इसके वीडियोस किए थे। देखिए प्लांट्स पे देखिए जो फूल खिले थे उसके कलर देखिए एकदम चेंज हो चुका है। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये प्लांट्स जब फ्लावरिंग करते हैं और बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। इसके सिंगल पेटल वाले वैरायटी भी है मेरे पास जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे सिंगल पेटल में जो प्लांट्स है वो भी फ्लावरिंग कर रहा है। इसे मैं नर्सरी से 40 रुपया देकर एक प्लांट लाया था, मेरे शायद 1.5 या 2 साल पुराना प्लांट है और इसमें अभी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है और फ्लावर के साइज़ भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़े साइज़ में फ्लावरिंग हो रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।